बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई एम नॉट नाजी। साल 1938, जगह जर्मनी। ये वो वक्त होता है जब हिटलर की नाजी सेना यहूदियों के ऊपर यानी कि ज्यूइश लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और इसी माहौल में हम एक परिवार को दिखाया जाता है जहां पर 13 साल का लड़का सोलिक रहता है। अब जब वो नहाने की तैयारी कर रहा होता है तभी उसके घर के ऊपर हमला कर दिया जाता है। सोलिक अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागकर एक बैरल के अंदर छुप जाता है। रात होने तक वो उसी बैरल के अंदर रहता है, जिसके बाद वहां पर एक लड़की आती है और उसे कहती है कि नाजी लोग चले गए, तुम बाहर आ सकते हो। सोलिक कहता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने, क्या तुम मेरे घर जाकर मेरे कपड़े ला सकती हो। वो कहती है कि हमें ज्यूस लोगों के घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अभी वो लड़की देखती है कि वहां पर हिटलर की सेना के नाजी की एक ड्रेस है, जो ड्रेस लाकर वो सोलिक को दे देती है। और अब सोलिक अपने घर जाता है। घर जाने पर उसे पता चलता है कि नाजी लोगों ने उसकी बहन को मार दिया है, जो देखकर उसे बहुत दुख होता है। और अब उसके पिता डिसाइड कर चुके हैं कि वो जर्मनी छोड़कर पोलैंड चले जाएंगे, क्योंकि सोलिक के पिता का जन्म वहीं हुआ था। जल्दी पोलैंड पहुंचकर वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। अब जहां पर सोलिक अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है वहां पर एक मूवी थिएटर होता है और उसकी जो ओनर होती है वो सोलिक को बहुत पसंद करती है। अब इसी तरह से इनके दिन यहाँ पर बीतते रहते हैं। और एक दिन इन्हें पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी है, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया है। ये सुनकर सोलिक के पिता डर जाते हैं। वो अपने दोनों बेटों से कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अगली सुबह सोलिक अपने भाई के साथ घर से निकल जाता है। थिएटर वाली लेडी उसे देख लेती है। उसे देखकर बहुत दुख होता है कि सोलिक यहाँ से जा रहा है, पर अब उसे जाना ही होगा। जल्दी वो अपने भाई के साथ नदी के किनारे पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और सबको नदी पार करनी है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो और उसका भाई एक ही बोट पर नहीं बैठ पाते। अब सोलिक जिस बोट पर होता है उस पर बहुत ज्यादा भीड़ है, और जब इनकी बोट नदी के बीच में पहुंच जाती है तो सबको पता चलता है कि नदी के दूसरी तरफ रशियन आर्मी है और जल्दी उनके बीच में और हिटलर की सेना के बीच में युद्ध होने वाला है। ये सुनकर सबके सब डर जाते हैं और पानी में कूदना शुरू कर देते हैं। हालांकि सोलिक कूदना नहीं चाहता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन एक आदमी उसे धक्का दे देता है। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि एक रशियन सोल्जर उसे बचाकर किनारे पर ले आता है। हालांकि सोलिक यहां से जा सकता है, लेकिन वो अपने भाई का इंतजार करता रहता है और बहुत वक्त होने के बाद भी उसका भाई नहीं आता। इसके बाद उसे एक ऑर्फनेज भेज दिया जाता है जो कि रशियंस का है, यानी कि सोवियत यूनियन वालों का। यहाँ पर वो कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर उसे कम्युनिस्ट की एजुकेशन दी जाती है। साथ ही यहाँ से अपने पिता को खत भी लिखता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर लिया है, हम भी यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब इसी तरह से उसे वहां पर 2 साल बीत चुके हैं और इन 2 सालों में उसने रशियन भी सीख ली है। 2 सालों के बाद इनके स्कूल के ऊपर जर्मन्स का हमला होता है। जर्मन अब यहां तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए सबको स्कूल छोड़कर जाना पड़ता है। रास्ते में लेकिन जर्मन्स इनके ऊपर एक बार फिर से हमला करते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो ज्यूस लोगों को अलग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो ज्यूस लोगों को मारना चाहते हैं। और जब सोलिक की बारी आती है तो सोलिक कहता है कि मैं एक जर्मन हूँ, मेरा नाम जोसेफ पीटर्स है। सोवियत से लड़ते हुए मेरे माता पिता मारे गए और तभी से मैं सोवियत के अनाथ आश्रम में हूँ। और जिस तरह से वो जर्मन और रशियन बोल रहा होता है उसकी बातों से उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो एक जर्मन है। अब इन्होंने एक आदमी को पकड़ा होता है जिसे सिर्फ रशियन आती है, और अब सोलिक को उसके पास ले जाया जाता है क्योंकि वो एक बाइलिंगुअल है, वो रशियन और जर्मन दोनों भाषाओं को अच्छे से बोल सकता है। सोलिक उस आदमी से रशियन में बात करता है और यहाँ पर जर्मन्स को पता चलता है कि ये उनका दुश्मन नहीं बल्कि ये उनका दोस्त है, जो कि जोसेफ स्टेलियन का बेटा है। सोलिक के इस काम से जर्मन सोल्जर्स बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपना इंटरप्रेटर बना लेते हैं ताकि अगर उन्हें किसी भी रशियन से बात करनी हो तो सोलिक उनकी मदद कर सके। सोलिक को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है। और जब इस शहर के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक लड़का चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये एक यहूदी एक ज्यूस है, क्योंकि वो सोलिक के साथ उसी के स्कूल में उसी के ऑर्फनेज में पढ़ा करता था, लेकिन वो रशियन में बोल रहा होता है और जर्मन्स को उसकी भाषा समझ नहीं आती। सोलिक उसके पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो लड़का सोलिक के ऊपर हमला कर देता है, पर जर्मन्स उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सोलिक ये देखकर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अब
सोलिक जर्मन्स की सेना में भर्ती हो चुका है। वो हमेशा उनके साथ रहता है, लेकिन वो इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि वो कभी उनके सामने ना नहाए और ना ही उनके सामने टॉयलेट करे, क्योंकि अगर उन्होंने उसका प्राइवेट पार्ट देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि ये एक ज्यूस है। अब कई दिन बीत जाते हैं, चारों तरफ मौत का तांडा हो रहा है। इतनी बर्बरता देखकर उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों को भी मारा जा रहा होता है। और ये सब देखकर सोलिक समझ नहीं पाता कि जर्मन ज्यादा अत्याचारी हैं या फिर सोवियत यूनियन वाले। रात को बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो अपने आई कार्ड को जला रहा होता है। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है जो कि एक्टर है। ओलेग को उससे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद भी कभी एक्टर बनना चाहता था। अब अगली सुबह सोलेग जब नहा रहा होता है तो वही एक्टर चुपके से उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ छेड़ाखानी करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये एक गे है। और अब उसने सोलेग को न्यूड देख लिया है, वो पहचान जाता है कि वो एक ज्यूस है। सोलेग बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी असलियत किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जर्मन्स गे से और ज्यूस से बराबर नफरत करते हैं। ये सुनकर सोलिक को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, क्योंकि उसका राज अब भी राज ही रहेगा। कुछ दिनों के बाद रशियन इनके ऊपर हमला करते हैं, जिसमें वो एक्टर के साथ साथ सोलिक के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। सोलिक सिर्फ अकेला बचता है, जिसके बाद वो रशियन से कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। रशियंस कहते हैं कि अपनी बंदूक उठाकर हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और अब सोलिक ऐसे ही करता है, और जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि वहां पर जर्मन्स पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सभी रशियंस को पकड़ लिया है। और अब जर्मन्स उसे देखकर समझते हैं कि सोलिक ने अकेले ही उनसे बहुत देर तक मुकाबला किया, और अब भी वो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसीलिए सब उसकी बहुत वाहवाही करते हैं। ये बात जर्मन कमांडर तक पहुंच जाती है। वो सोलिक को अपने पास बुलाता और कहता है कि मैं तुम्हें जर्मनी के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है, इसीलिए बाद में मैं तुम्हें गोद ले लूंगा। ये सुनकर सोलिक को बहुत अच्छा लगता है, और अब वो स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर एक दिन क्लास के दौरान यहां पर एक टीचर आता है और वो सबको बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे तुम यहूदियों को यानी कि ज्यूस लोगों को दूर से पहचान लोगे। जिसके बाद वो सोलिक को आगे आने के लिए कहता है। सोलिक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोलिक की आंखों का रंग देखता है, उसके सर का नाप लेता है और बताता है कि ये एक मिक्स ब्रीड है, लेकिन ये एक जर्मन है। ये सुनकर सोलिक को थोड़ी सी तसल्ली होती है। यही एक लड़की होती है जिसका नाम लिनी है, और वो अब लिनी को पसंद करने लगा है। लिनी भी सोलिक को पसंद करती है, लेकिन वो उसके बहुत करीब नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि अगर लिनी ने उसे न्यूड देख लिया तो पहचान जाएगी कि ये एक ज्यूस है। यहाँ पर स्कूल में एक और लड़का होता है जो लिनी को पसंद करता है, जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि सोलिक और लिनी एक दूसरे के इतने करीब हैं। अब एक दिन लिनी और सोलिक घूमते घूमते एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज्यूस लोगों की कब्र होती है। लिनी कहती है कि मैं ज्यूस लोगों से नफरत करती हूँ, अगर कभी मेरे सामने कोई ज्यूस आ गया तो मैं उसे गोली मार दूंगी। ये सुनकर सोलिक को गुस्सा आता है और वो लिनी को थप्पड़ मार देता है। लिनी भी उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम एक नामर्द हो, और वहां से चली जाती है। रात को सोलिक को सपना आता है। इस सपने में वो अपनी मरी हुई सिस्टर को देखता है। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें अपने परिवार को ढूंढना चाहिए। और अब अगले दिन सोलिक बस से अपने परिवार को ढूंढना शुरू कर देता है। उसके शीशे धुंधले होते हैं, और तभी वो सड़क पर बैठी एक महिला को देखता है जो उसे उसकी मॉम की तरह लगती है, लेकिन जब तक वो वापस आता है वो वहां पर नहीं होती। और अब सोलिक उसी बस से उसी रूट से हर रोज आता है, लेकिन वो लेडी उसे फिर कभी नहीं दिखती। बहुत दिनों से उसे लिनी नहीं मिली, इसीलिए वो लिनी के घर जाता है। उसकी मॉम बताती है कि लिनी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो उसकी मॉम से कहता है कि वो बच्चा मेरा नहीं है। लिनी की मॉम कहती है कि मुझे पता है, तुम्हारी क्लास में जो दूसरा लड़का पढ़ता है जो लिनी को पसंद करता है, ये बच्चा उसका है। लिनी हमेशा से माँ बनना चाहती थी, ताकि वो एक बेटे को जन्म दे और उसे सेना में भर्ती करे। अब लिनी के प्रेग्नेंट होने की बात से वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि लिनी की मॉम को बता देता है कि मैं एक ज्यूस हूँ। लिनी की मॉम कहती है कि जब पहली बार तुम हमारे घर पर आए थे मैंने उसी वक्त पहचान लिया था, पर तुम चिंता मत करो, ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सोलिक यहाँ से अपने हॉस्टल में जाता है और उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है जिसकी वजह से लिनी प्रेग्नेंट हुई है। अब जब ये लड़ी रहे होते हैं तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम्हें स्कूल के हेड ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बुलाया है। सोलिक अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचता है, लेकिन स्कूल का हेड देखता है कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जिससे हमें ये पता चलेगा कि तुम जर्मनी के एक नागरिक हो। सोलिक कहता है कि वो अनाथ आश्रम में छूट गया, और अब स्कूल के हेड को उस पर शक हो चुका है।
वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अनाथ आश्रम से उस डॉक्यूमेंट को मंगवा लूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर एक भी देश का गद्दार रहे। और जिस दिन हमें पता चल गया कि तुम एक यहूदी हो, उस दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। यहाँ पर सोलिक बहुत ज्यादा डर जाता है और अब वो बाहर निकलता है। तभी वहां पर वो लड़का आ जाता है जिससे उसकी अभी कुछ देर पहले फाइट हुई थी, जिसकी वजह से लिनी प्रेग्नेंट हुई। वो सोलिक को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे भी पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि ये एक ज्यूइश है। पर तभी यहाँ पर सोवियत की सेना बमबारी करना शुरू कर देती है, जिससे उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। साथ ही स्कूल का जो हेड होता है इस हमले में वो भी मारा जाता है और सोलिक एक बार फिर से आजाद हो चुका है। जिन भी लोगों को उस पर शक था वो सब के सब मारे जा चुके हैं। लेकिन अब जंग की वजह से सभी स्टूडेंट्स को जंग में उतरना पड़ता है। सोलिक भी उनके साथ होता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। पर उसके साथी कहते हैं कि तुम्हें गोली चलानी होगी। इसके बाद उसे गोली चलानी पड़ती है। वो भी जंग का हिस्सा बन चुका है। और जब सोलिक को यकीन हो जाता है कि अब वो सोवियत की सेना से बच नहीं सकते, तो भाग के उनकी सेना के बीच में चला जाता है। अपने दोनों हाथ ऊपर करता है, कहता है कि मैं नाज़ी नहीं हूँ, मैं एक ज्यूस हूँ, मैंने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ किया। सोवियत के सोल्जर्स को लगता है कि ये एक जासूस है, पर वो यकीन दिला देता है कि वो एक ज्यूस है। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम एक ट्रेटर हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को धोखा दिया। वो उसे बहुत सारी फोटोज दिखाते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों के साथ तुम थे, देखो उन्होंने ज्यूस लोगों के साथ क्या किया। और अब उसे उन कैदियों के बीच ले जाया जाता है जिन्हें अभी इन्होंने आजाद करवाया है, जो सब के सब ज्यूस हैं, और इन्हीं के सामने वो इसे मारना चाहते हैं। पर इससे पहले कि उसे गोली मारी जाती, भीड़ में से कोई उसका नाम पुकारता है। और जब सोलिक सामने देखता है तो वो उसका भाई होता है। उसका भाई उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में था। वो सबको बताता है कि ये मेरा भाई है। जिसके बाद सोलिक को आजाद कर दिया जाता है। और अब सोलिक का भाई उसे बताता है कि हमारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, जो सुनकर उसे बहुत दुख होता है। सोलिक अपनी पूरी कहानी अपने भाई को बताता है। उसका भाई कहता है कि ये बातें कभी किसी को मत बताना, क्योंकि तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुका है। अब ये अपनी पहचान के साथ कहीं भी रह सकते हैं। कई साल बीत जाते हैं और अब हमें सोलिक को दिखाया जाता है जो अपने फोक सॉन्ग को गा रहा होता है। और ये वही सोलिक है जिसकी जिंदगी की ये सच्ची कहानी है। अब वो बूढ़ा हो चुका है। इसका असली नाम सोलोमन है, जिसे प्यार से सोले कहा जाता है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।